क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? आप घर में फ्री हैं? आप कोई पार्ट टाइम आपको जॉब नहीं मिल रही, आप सिर्फ फर्स्ट टाइम जॉब करते हैं, पार्ट टाइम आप फ्री हैं, आप चाहते हैं मैं ऑनलाइन अर्निंग करूं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और आप अर्निंग कर सकते हैं ए टू जेड और थोड़ा काम और पैसे ज़्यादा। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ये लर्निंग और अर्निंग पे। दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वेबसाइट और नई अर्निंग का तरीका। आप घर में फ्री हैं, आप ऑन पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कौन सा तरीका आप अपनाएं और कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने एड देखने हैं और क्लिक क्लिक करते हैं और पैसे आपके अकाउंट में, और आपके अकाउंट से आगे आप ड्रावल किस तरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पर, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल पे आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह उस पर रजिस्टर करना है, किस तरह उस पर पैसे कमाने हैं और किस तरह उस पर निकलवाने हैं। तो चलते हैं फिर मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट शो होगी और उस वेबसाइट के जरिए आपको मैं एक तरीकाकार बताने वाला हूँ कि आपने उस पर रजिस्टर किस तरह होना है और आपने अकाउंट बनाकर उस पर अर्निंग किस तरह करनी है। तो फैनली जब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो आपने सिंपली इसको जूम आउट करके आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपने इधर अपना यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम लिखने के लिए आपने इधर, यूज़र नेम का मतलब ये होता है कि आपका यूज़र नेम इस तरह का हो, ठीक है। आपने पूरा नेम लिखना, आगे मैथमेटिक लफ्ज ज़रूर लिखने हैं, नीचे ईमेल लिखना। ईमेल लिखने के लिए आपने सिंपली, मैं ये ईमेल लिखता हूँ, ईमेल लिखने के बाद रिपीट ईमेल, यही ईमेल जो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे आपने पेस्ट कर देना है, रिपीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड लिखने के बाद रिपीट पासवर्ड लिखना है, उसके बाद पासवर्ड रिपीट पासवर्ड लिखने के बाद फास्ट नेम आपने लिखना है, अपना फास्ट नेम, इधर आपने अपना फास्ट नेम, इधर आपने अपना पूरा नेम लिखना है। मैंने फास्ट नेम लिखा, नीचे लास्ट नेम लिखना, नीचे जी जनरेट, नीचे जी इस्लामिक कंट्री, जी इस्लामिक रिप्लेस पाकिस्तान, ठीक हो गया। नीचे बर्थडे डेट आपने लिख देनी, कोई भी लिख दें, आपको ज़रूरी नहीं है अगर आप अपनी रेयर लिख दें, मैं अपनी रेयर ही लिख देता हूँ, चलो यार। इधर अपनी बर्थडे डेट लिखनी है, बर्थडे डेट लिखने के बाद नीचे नीचे आपने लिख देना है जी, ठीक है। नीचे आप एग्री पे क्लिक कर देना, एग्री पे क्लिक करने के बाद नीचे ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ आपने क्लिक 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 करा कर देना, ठीक हो गया। तो आपने सब पे क्लिक 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 कर देना है, उसके बाद नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपके नीचे आ जाएगा आई एम नॉट रोबोट, इधर आपने क्लिक कर देना है। मतलब मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं एक जाता जागता इंसान हूँ। आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो जितने ई मेल सेंड हुई और ई मेल उन्होंने एक ई मेल पर एक मेल भेजा है, ठीक है। उस मेल पर आपने वो जो जी मेल हमने इधर लगाया होगा उसमें उस पर एक मेल आएगा और वो मेल हमने क्या करना होगा कि उस पर जाके उस पर वेरीफाई करनी होगी। मैं सिंपली उस अपने जी मेल पर जाता, तो आपने भी अपने जीमेल पे चले जाना है, मोबाइल में या कंप्यूटर में जहाँ पे भी होगा, मोबाइल में ये देख सकते हैं, ये ऊपर मेरा पे हैड यू ये वेबसाइट है और इधर से मुझे मेल आ चुका है, ये देख सकते हैं। ये इस मेल पे जो उन्होंने लिंक दिया है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं करता हूँ जी ईमेल एड्रेस बीन वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ईमेल एड्रेस बीन लॉग इन पे, नीचे लॉग इन इनटू, नीचे लॉग इन उन्होंने क्लिक किया और नीचे लॉग इन योर अकाउंट पर क्लिक कर देना, नीचे लॉग इन योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अपने यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड लिखने के बाद नीचे रिवॉर्ड पर क्लिक करके और नीचे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है, ये देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया है, ठीक है। मेरे जो पास अर्निंग है वो 0 0 0 अर्निंग है, कोई मैंने अर्निंग नहीं की अभी तक, और अब मैं आके आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इस पर अर्निंग करनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, कुछ होगा। अब आपने अर्निंग किस तरह करनी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने अर्निंग इस पर किस तरह करनी है। आप थोड़ा सा जूम आउट में करता हूँ, जूम आपको पता लग जाए, ये ऊपर आपको अर्न नज़र आ रहा है, अर्न एडवर्टीज के साथ अर्न लिखा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद तीन वे आपके सामने नज़र आ गए, व्यू एड्स, टास्क, सर्वेज। आपने सिंपली व्यू एड्स पे क्लिक करना है, व्यू एड्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एड्स जो हैं वो नज़र आने लग पड़े हैं, ये देख सकते हैं एड जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने कितने एड्स दे चुके हैं, तकरीबन 14 एड्स हैं, ठीक है। 14 एड्स उन्होंने दिए हैं, ये हमने वाश करने हैं। वाश किस तरह करने हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली, मैं पहले एड्स पे क्लिक करता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर क्लिक कर देना सब्ज रंग के, ये न्यू वेबसाइट हमारे सामने शो हो जाएगी, ठीक है। इधर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ये, क्योंकि हम नए हैं ना, नए मेंबर्स हों तो उनके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं गो टू कंटिन्यू, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है।
तो ये मैं ऐड पे मैंने उस पर क्लिक किया, तो ये ऐड जो है वो रन आउट होने लग पड़ा। ठीक है, रन आउट होने के बाद आपके सामने कुछ नया पेज हो जाएगा। ठीक है, मेरे सामने किस इस तरह का पेज होगा। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने इस पे आप क्या करना है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये इसको फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। ये आप जो लाइन देख सकते हैं देख रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है, इसको आपने फॉलो करना है। ये ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है सिलेक्ट अपसाइड डाउन पिक्चर, मतलब उल्टी पिक्चर आप दें अपसाइड, ठीक है, डाउन पिक्चर, ये डाउन पिक्चर उन आपने पिक्चर आपने बतानी है। जिस तरह के मैं ये एक पिक्चर आप क्लिक करता हूँ, आपके सामने एक गलती क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं फॉर उन्होंने कहा अनक्रैक्ट, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर अनक्रैक्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान से थोड़ा सा करना है, आप अगर फॉलो करेंगे इसको ध्यान से करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ओपन एडवर्टाइज वेबसाइट, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, कुछ देर आपने इसको इधर रुकना होगा। ठीक है, कुछ देर रुकने के बाद आपको आपने फिर बाद में क्या करना होगा, सिंपली मैं इधर रुकने के बाद मैं इधर वापस चला जाता हूँ। वापस जाकर आप चेक करते हैं कि हमें जो हमारी अर्निंग सेव हुई है या नहीं हुई। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है ऐड विजिट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है कि मैं एक और ऐड इस पर क्लिक करता हूँ, एक और ऐड विजिट करता हूँ आपके लिए, मैं आपको बताने के लिए मजीद जो है उधर उस टाइम हमारी जो है वो पिक्चर जो है वो गलत हो चुकी थी। तो अब मैं दोबारा इसको ना ओपन करके आपको मैं बताता हूँ कि इस पर आपने दोबारा ये देखते हैं जी सेलेक्ट अपसाइड डाउन पिक्चर, दोबारा उन्होंने बताया कि उल्टी पिक्चर, ये देखते हैं ये गाड़ी वाली उल्टी पिक्चर है, पहली पिक्चर ही, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखते हैं ये हमारा जो ऐड है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, और अब आपने दोबारा इस पर ओपन वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, और अब क्या होगा जी, अब हमारे सामने कुछ वही वेबसाइट दोबारा जो ओपन होगी। ठीक है, वह वेबसाइट दोबारा ओपन हुई तो हम अब बैक चले जाते हैं, बैक ठीक हो गया। बैक चले जाने के बाद वापस आने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इधर हमारी जो है अर्निंग शो हो रही है, ये देखते हैं ये हमारी अर्निंग शो हो रही है। ठीक है, जो हमने दो एड्स वॉच किए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दोबारा अर्न पे क्लिक करके व्यू टास्क पे क्लिक करके दिखाता हूँ जी, इस पर टास्क भी कुछ चंद टास्क भी दिए होते हैं कि आपने ये फला टास्क जो है कम्प्लीट करके इस पर अर्निंग करनी है। ठीक है, फिलहाल उन्होंने अभी तक न्यू वेबसाइट है इस पर टास्क उन्होंने नहीं दिए, तो ये देखते हैं कुछ इस तरह का टास्क भी उन्होंने दे दिए हैं, तकरीबन दो ऐप्स उन्हें दिए हैं, ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद मैं दोबारा अर्न पे क्लिक करता हूँ, सर्वे पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने सर्वे भी आ जाते हैं कुछ इस तरह का सर्वे, ये सर्वे कम्प्लीट करेंगे तो आपको $1 मिलेगा, ये सर्वे कम्प्लीट करेंगे तो आपको, ये कुछ सर्वे हैं ये हम कम्प्लीट करेंगे तो हमको इनके $1 से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके विड्रावल जो है वो आपने किस तरह लेना है और इस पर पैसे निकलवाने किस तरह हैं। पैसे निकलवाने के लिए आपने सिंपली जो हमारी अर्निंग है उस पर आपने क्लिक करना है, ये देखते मैंने उस पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। आप पेपाल में, पायर में, स्क्रील में, इन तीनों में आप विड्रावल ले सकते हैं। मिनिमम पे आउट है $1, पेपाल में $5 ठीक हो गया। उसके बाद पेमेंट परसिस्टेंट पेपाल भी है, वो पेपाल हमने लेने नहीं, पेपाल में हम लेंगे पायर में एक मिनट से पहले जो है विड्रावल रिसीव हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने तो होगा, आप किस में भी लेना चाहते हैं। मैं पैर पे क्लिक करता हूँ, पैर पे क्लिक करने के बाद ऐड यू सेटिंग अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, इधर आपने अपना अकाउंट जो सेट कर लेना पैर का। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए कि आप इस पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद रेफरल्स अर्निंग भी है, मैं आपको अकाउंट्स पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि इस पर रेफरल्स अर्निंग क्या है, कि आपने अपने रेफरल्स करके अर्निंग करनी है और वो किस तरह करनी है।